आलू गोभी और शिमला मिर्च की सूखी भाजी। स्वादानुसार डालें लास्ट में, स्टार्टिंग में नमक नहीं डालना है क्योंकि सब्जी को पूरा वो गला देगा, पानी छोड़ देगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिमला मिर्च और गोभी की सब्जी कितनी अच्छी लगती है? तो आज हम बनाएंगे गोभी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। सूखी भाजी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल मैंने गरम कर लिया है, उसमें दो मैंने तेजपात डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा पड़ेगा जीरा। अब इसमें सबसे पहले पड़ेगा प्याज का तड़का, एक प्याज बड़े साइज का लेना है बारीक काट के। इसमें पड़ जाएगा गोभी और आलू जो मैंने लिया है, हाफ के जी गोभी है और एक बड़े साइज का कटा हुआ आलू। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसे थोड़ी देर के लिए तेज आंच पे पकने देते हैं। मैंने हाई फ्लेम करके रखा है तो अभी मीडियम है, थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम पे कर दें। दो मिनट इसे पकने दें। 2 मिनट हो गया है, अब इसमें मुझे डाल देना है एक टमाटर और एक शिमला मिर्च। इसे फिर ढक देना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है, अब इसमें मुझे डालना है 2 इंच अदरक और 2 बड़ी लहसुन की कलियां बारीक काट के। अब इसे कम आंच पर थोड़ी देर पकने देना है। अब इसमें मुझे मसालों को मिक्स करना है। सबसे पहले हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मिर्चा पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़्यादा ना डालें तीखा हो जाएगा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और कम आंच पर इसे पकने दें। ये लीजिए, गोभी और शिमला मिर्च की भाजी बनकर तैयार है, लगभग बन गई है। अब इसमें मुझे डालना है कुछ कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें धनिया की पत्तियां काफ़ी पड़ती है इसलिए मैंने इसे बारीक काट के रखा हुआ था, आप भी इसमें ढेर सारी धनिया पत्तियां डालें और इसे अच्छे से चलाते रहें हाई फ्लेम पे। अब ये भूनना है इसे, काफ़ी हाई फ्लेम होगा। भाजी ऑलमोस्ट हो गई है, अब इसे मुझे निकालना है। धनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल के भी मैंने इसे काफ़ी तेज भून दिया और ये हो गया है। ये लीजिए, भाजी बनकर तैयार है। अगर आपको गोभी और शिमला मिर्च आलू की भाजी पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।